जिला हमीरपुर में बुधवार को 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें आरटीपीसीआर टेस्ट में 38 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 24 लोगों की पुष्टि हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि आरटीपीसीआर टेस्ट में बड़सर उपमंडल के गांव ठाणा में 14 लोग, गांव बटरान, लम्बलू व मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3-3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं भोरंज और ध्राण में 2-2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव टिप्पर, धनेड़, छपरोह, मवालघाट, टिल्लू, जंगल, दबैर, वार्ड नंबर 4 नदौण, पंजवार, अपर हड़ेटा और बड़ू में 1-1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बुधवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 171 सैंपल लिए गए, जिनमें 24 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव आने वाले लोगों में गांव नालवी और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3-3 लोग, बंगाणा क्षेत्र के गांव चमियारी वार्ड नंबर 2 हमीरपुर और बड़सर के गांव जमली के 2-2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। साथ ही वार्ड नंबर 1 हमीरपुर, गांव चलोखर, गांव सस्तर, दारी, कठलाणी, सिद्धपुर, भगेटू, बस्सी, ककरोह, सलतेह, बेला और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हमीरपुर में 1-1 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।